लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमैटिक एवरेशन देखा था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि जो आपके डिफरेंट कलर्स थे उनके लिए क्या हो रहा था कि जो आपकी इमेज बन रही थी उसकी एक्चुअल पोजीशन जो थी वो हर एक कलर के लिए डिफरेंट आ रही थी। और इसके अलावा क्या हो रहा था कि जो आपकी इमेज बन रही है उनका जो साइज़ था वो हर एक कलर के लिए डिफरेंट साइज़ की इमेज बन रही थी आपकी, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे थे, क्रोमैटिक एवरेशन, मतलब ये आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज में डिफेक्ट्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ द लेंस सिस्टम दैट वी वर यूजिंग। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या कि ये जो आपका क्रोमैटिक एवरेशन है, ये जो डिफेक्ट है, इसको रिमूव करने के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। तो वो तरीके कैसे होने चाहिए कि जो आपके ये एवरेशन आ रहे हैं दो टाइप का, कि मतलब कि जो आपका एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स, और वैसे ही जो साइज़ है वो आपका डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफेक्ट्स क्या है आपके रिमूव हो जाने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे कि वो आइडियली क्या है, अक्रोमेटिक है, ठीक है। जो आपका एवरेशन था उसे हम क्रोमैटिक बोल रहे थे, क्रोमैटिक एवरेशन, और इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे, या फिर जो सिस्टम है जो रिमूव कर देगा उसे हम बोलेंगे अक्रोमैटिक लेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर एक्रोमेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि आप कोई भी दो लेंसेज के एक्चुअली कॉम्बिनेशन लेते हैं, चाहे वो क्या है आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का या कॉन्वेक्स कॉनकेव का, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो हमें अभी हम देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन हमें लेना है, ठीक है। तो इसकी भी एक्चुअली दो कंडीशंस हैं जिनमें आप अक्रोमेटिक सिस्टम पा सकते हैं, मतलब जिसमें क्रोमेटिक एवरेशन आपका ना हो। तो वो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं जिनमें आप ये वाला जो एवरेशन था आपका, ये जो डिफेक्ट था उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये पहले अक्रोमेटिज्म ही लिखा है कि वो क्या होता है। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है कि आपके जो दो थिन लेंसेज हैं उन्हें आपको एकदम कॉन्टैक्ट में रखना है, ठीक है। एक कंडीशन हम ये वाली लेकर चल रहे हैं कि जो आपके दो लेंस हैं उन दोनों को आपको एकदम कॉन्टैक्ट में रखना है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से लेंस होने चाहिए। तो सिंस हम थिन लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने पहले थिन लेंस की फोकल लेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। और जो आपका लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। और आर वन और आर टू आपको पता है कि ये कर्वेचर रेडियाई ऑफ कर्वेचर है फॉर द टू सर्फेसेज ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, अभी इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने, इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट किया, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू है ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन वन से सब्सटीट्यूट कर दी, तो वो क्या आएगी, वन अपॉन म्यू माइनस वन जो है नीचे चला जाएगा, तो वन अपॉन एफ म्यू माइनस वन, तो वो हम यहाँ पर क्या है सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्सटीट्यूट कर दी है वैल्यू। अब यहाँ पर फिर से डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस वन, हमने पीछे देखा था कि ये क्या आ रहा था, किसी भी लेंस के लिए डिस्पर्सिव पावर आ रही थी, और पीछे जो हमने देखा था वो हमने वायलेट और रेड के लिए लिखा था, तो हमने वहाँ पर म्यू वी माइनस म्यू आर लिखा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कोई भी दो कलर लेकर चल रहे हैं, पर्टिकुलरली रेड और वायलेट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी दो कलर के लिए हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो डेल्टा म्यू है वो उन दो कलर्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया यहाँ पर, फिर डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस वन की जगह ओमेगा रख दिया, जो कि क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। तो क्या हुआ फिर आपको यहाँ से, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इक्वेशन आपको टू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ये तो आपका एक जनरल फॉर्मूला आया, पर हम एक्चुअली लेके कितने चले थे, हम दो लेंस का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे, तो हम यही वाला एक्सप्रेशन जो है दोनों लेंसेज के लिए लिख सकते हैं, एफ वन के लिए भी और एफ टू के लिए भी। उसके बाद सिंस आपने दो लेंस लिए हैं तो उनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि वो दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये आएगा फोकल लेंथ का। फिर हमने इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पर, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये देखिए, ये वाला जो आपको टर्म मिल रहे हैं ये दो, इन दो टर्म्स की वैल्यू आप कहाँ से रख सकते हो, इक्वेशन टू से, क्योंकि इक्वेशन टू जो है ये एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये सभी लेंसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हमने डेल्टा एफ अपोन एफ स्क्वायर की वैल्यू जो है ओमेगा अपोन एफ है, जब हम एफ वन के लिए देखेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा एफ वन अपोन एफ वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, ओमेगा वन अपोन एफ वन, क्योंकि ये फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा वन क्या होगा आपका जो फर्स्ट लेंस है उसकी डिस्पर्सिव पावर, और एफ वन क्या है उसकी फोकल लेंथ, वैसे ही सेकेंड लेंस के लिए ओमेगा टू उसकी डिस्पर्सिव पावर और एफ टू उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी।
तो अब यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन में ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो फाइनली ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें जो आपकी इमेज बन रही है वो हम चाहते हैं कि हर एक कलर के लिए वो एक ही जगह पर बने, एक्चुअल पोजिशन उसकी सेम हो, यही तो हम चाहते हैं एक्रोमेटिज्म के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो यहाँ पे क्या है डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं एक्रोमीटर जो है आपका रिमूव हो जाए तो डेल्टा एफ ज़ीरो होना चाहिए। वो कैसे आ रहा है, सिंस अगर हर एक कलर के लिए फोकल लेंथ जो है वो सेम होगी तभी तो आप बोलोगे कि एक ही पोजिशन पर आपकी जो इमेज है इसी तभी वो आपकी एक ही पोजिशन पर बनेगी। ठीक है, पहले हमने जब देखा था तो वहाँ पर यही हो रहा था कि जो वायलेट है एफ पी और जो एफ रेड है वो अलग अलग थी, उन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट थी, इसीलिए क्या हो रहा था आपकी इमेजेस क्या है डिफरेंट प्लेसेस पर बन रही थी। अभी अगर हम चाहते हैं कि एक्रोमेटिज्म रिमूव हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एफ ज़ीरो। तो जब हमने डेल्टा एफ ज़ीरो रखा तो ये आपकी कंडीशन मिल गई है एक्रोमेटिज्म की। ठीक है, तो ये हम एक कंडीशन एक्चुअली इनिशियली क्या लेकर चले थे कि दो लेंस हैं आपके वो एक दूसरे के एकदम कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, चाहे वो क्या हो सकता है आपका कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन था, चाहे वो आपका एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का था, वो हम अभी देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या मिला कि जब आप ये लेकर चले कि ये कॉम्बिनेशन है और आपने एक्रोमेटिज्म की कंडीशन लगाई तो आपको क्या मिला कि ये जो आपका इक्वेशन थ्री है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस जो इक्वेशन है इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन थ्री में सबसे पहले हमने क्या किया, ओमेगा वन ओमेगा टू को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और एफ वन एफ टू को एक साथ लिख दिया। तो आप देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, सिंस जो डिस्पर्सिव पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, किसी भी लेंस के लिए ओमेगा वन और ओमेगा टू हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो आपने देखा कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वो हमेशा ही क्या है पॉजिटिव, पर आपकी राइट साइड क्या है उसमें एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन कब आएगा कि ये तभी आएगा जब F1 और F2 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट साइन के हो, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी आपका ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है वो आ सकता है। और ऐसा कब पॉसिबल है कि अगर आप मान रहे हो कि आपका F1 पॉजिटिव है तो आपका F2 क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है, वो होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए होती है वो, और नेगेटिव किसके लिए होती है कॉनकेव लेंस के लिए। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका एक लेंस को कॉन्वेक्स होना चाहिए और एक लेंस को कॉनकेव, तभी आपकी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया। अब सेकंड है, हम लेकर चल रहे हैं, मान रहे हैं कि आपका ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल है, मतलब जो आपका दो लेंसेज थे वो एक ही मटीरियल से बने हैं। ठीक है, तभी उनकी क्या होगी डिस्पर्सिव पावर इक्वल होगी। तो ओमेगा वन आपका ओमेगा टू के इक्वल है तो वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ज़ीरो। अब वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू क्या है, ये आपका वन अपॉन एफ था यहाँ से जो हमने लिखा था। यहाँ से आपको क्या मिला कि एफ जो है वो इन्फिनिटी है। एफ इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रेज है वो कहाँ फोकस होंगी, इन्फिनिटी पे। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा कब हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल ग्लास की शीट है, प्लेन ग्लास की क्या है एक प्लेट है सिर्फ। ठीक है, सिंपल, तो आपको अगर कोई ग्लास है तो आपको क्या होता है अगर आप रे डालते हो तो क्या है वो वैसे के वैसे ही सामने चली जाती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है क्योंकि ये रेज जाकर कहाँ मिलेंगी, ये इन्फिनिटी पे, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि आपके पास लेंस नहीं है एक्चुअली, वो क्या है ग्लास प्लेट है, प्लेन ग्लास की एक प्लेट है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ओमेगा वन जो है वो ओमेगा टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तो उसका मतलब क्या है कि दोनों जो आपके लेंस हैं वो डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए तभी आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक्रोमेटिज्म जो है वो आपका रिमूव होगा। ठीक है, अगर प्लेन अगर एक ग्लास प्लेट है तो उसका तो फिर कोई मतलब रह ही नहीं गया क्योंकि वो एक लेंस नहीं है। ठीक है, अब थर्ड है, थर्ड में क्या है कि आपने क्या किया कि अगर आप चाहते हो कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम हो। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पूरा आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है एक कॉन्वेक्स लेंस की काम तरह काम करें, मतलब कि जो रेज आपका अगर कोई लेंस कॉम्बिनेशन है ये और इस पर आपकी रेज जा रही हैं तो फाइनली क्या हो कि एक्सिस पे जाकर आपकी मिले। ठीक, कन्वर्ज हो, ये एक्सिस की तरह झुक जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जब आप रेज डालते हो तो क्या होता है वो एक्सिस की तरफ झुक जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं वो। ठीक है, और जब आपका कॉनकेव लेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी डाइवर्ज होती हैं, मतलब जो आपकी रेज जा रही हैं वो ऐसे दूर हो जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो
तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग हो, एक उत्तल लेंस की तरह काम करे, तो आप सोचिए उसके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है और एक है आपका कॉनकेव लेंस। तो ऐसा कब हो सकता है कि ये दोनों कंबाइंड होकर कन्वर्जिंग इफेक्ट दे? ऐसा तभी हो सकता है जब आपके कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो कॉनकेव लेंस से ज़्यादा हो, तभी ये डोमिनेटिंग हो सकता है कॉनकेव लेंस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है, पावर ऑफ, मान लीजिए हम वन के लिए मान रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट है वो कॉन्वेक्स है, तो पी वन शुड बी ग्रेटर देन पी टू, ठीक है, ये होना चाहिए। अब पावर जो है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब क्या होना चाहिए, एफ वन शुड बी लेस देन एफ टू, ठीक है, ये आपकी यहाँ से कंडीशन आई है। तो अब जब यह कंडीशन आप इसी यहाँ से आपको ये मिला है, इसमें अगर आप लगाकर देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एफ वन पहला तो ये लेस देन होना चाहिए, इसका मतलब जो आपका ओमेगा वन है वो भी छोटा होना चाहिए ओमेगा टू से, ठीक है, तभी आपकी ये वाली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो सकती है। अभी हम आगे देखते हैं। तो ये हमने एक कंडीशन पढ़ी जब हम क्या लेके चल रहे थे कि दोनों लेंस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। अब हम दूसरा केस लेंगे जहाँ पे जो आपकी ये दो लेंस हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इसी को एक्सप्लेन किया गया है नेचर ऑफ एक्रोमेटिज्म की, जो हमने अभी कंडीशन देखी उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लेंसेज आपके सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है कि अगर दो लेंस हैं आपके पास और दो लेंस हैं और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे हैं, तो उनकी जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आती है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब फिर से इसे जैसे पहले किया था, प्रोसीजर सबका सेम है, इसे फिर से हमने डिफ्रेंशिएट किया है और फिर से यहाँ पर जो डेल्टा एफ अपोन एफ वन डेल्टा एफ टू अपोन एफ टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम पीछे से रखेंगे जो हमने यहाँ पर देखी थी इक्वेशन टू से, ओमेगा अपोन एफ, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है, तो वो हमने यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं वही दोनों वैल्यूज़, यहाँ पर भी इन चारों जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमको ये आपको फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर डी वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया है। तो उसके बाद फिर से हमने एक्रोमेटिज्म की कंडीशन लगाई, यू क्या थी, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू जीरो, तो उसके बाद यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो जो आपके दो लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस थी उसका ये फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है। अब है कि अगर आपके व्हेन द टू लेंसेज आर ऑफ द सेम मटेरियल, जब ये दोनों ही लेंसेज एक ही मटेरियल के हैं, तो क्या होगा, ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल, तो हमारी जो कंडीशन आई है वो एक्चुअली ये आई है, डी इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है कि एज द कंडीशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिस्पर्सिव पावर, द कॉम्बिनेशन हैज़ द सेम फोकल लेंथ फॉर ऑल कलर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे एक्रोमेटिज्म दिखा रही है, अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ओमेगा का टर्म नहीं है, और ओमेगा ही क्या बताता है कि जो आपका लेंस है उसके मटेरियल के बारे में बताता है उसका, और बताता है, और वो ही डिपेंडेंट किस पे दिखाता है कि वो कलर पे जो डिपेंडेंसी है उसका हम ओमेगा से ही बताते हैं, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर कोई भी ओमेगा का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ये डिस्टेंस डी आ रही है वो इंडिपेंडेंट हो गई किससे, कलर से। तो इसका मतलब जब कोई भी, जब डी ही इंडिपेंडेंट हो गया कलर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो सारे कलर्स के लिए क्या हो गई, सेम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो एक्शियल वाला जो एक्रोमेटिज्म था वो आपका क्या हो गया, रिमूव। अब हर एक कलर के लिए फोकल लेंथ सेम है, तो उनके लिए जो इमेज है वो भी सेम पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एस जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ वन प्लस एफ टू मस्ट बी पॉजिटिव। अब डी क्या है, डी आपकी डिस्टेंस है लेंस के बीच में, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, आपका एफ वन और एफ टू क्या हो, एफ वन प्लस एफ टू जो है ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि डी इज इक्वल्स टू आपका क्या था, एफ वन प्लस एफ टू अपॉन टू। तो जब डी पॉजिटिव है, जब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी आपकी पॉजिटिव होगी। अब ये पॉजिटिव क्या कब हो सकती है कि या तो एफ वन और एफ टू दोनों ही पॉजिटिव हों, और दूसरा क्या हो सकता है कि जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है वन और एफ टू में से वो ज़्यादा हो सेकंड वैल्यू से। अब देखिए अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। अब और दूसरा केस है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या अगर आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई है नेगेटिव से, तभी भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पर अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपके दोनों ही कॉनकेव लेंस तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपके दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होंगे, या फिर जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो आपकी फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तभी आपका ये एक्रोमेटिज्म क्या है, सेटिस्फाई होगा।
तो आज हमने देखा कि एक्रोमेटिज्म कैसे आप पा सकते हो, कैसे आप जो आपका एवरेशन था जो कलर की वजह से आपकी डिफरेंट प्लेसेस पे इमेज बना रहा था उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है।